हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम की। विधानसभा चुनाव के ठीक 20 दिन पहले पैरोल पर आए राम रहीम ने भाजपा को समर्थन देने का संकेत दे दिया है। हालांकि भाजपा को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन डेरे के सूत्र बताते हैं कि राम रहीम ने जेल में रहते हुए ही भाजपा को समर्थन देने का फैसला कर लिया था और इस बात का संकेत डेरे के हजारों अनुयायियों तक पहुंच चुका है। डेरे की रणनीति रही है कि वह किसी भी पार्टी को खुला समर्थन देने की घोषणा नहीं करते हैं। डेरे का समर्थन गुप्त रूप से अनुयायियों तक पहुंचाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने राम रहीम की पैरोल का विरोध करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। अब राम रहीम के जेल से बाहर आने पर चुनाव कितना प्रभावित होता है या नहीं होता है, ये तो भविष्य बताएगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्व रेसलर और जुलाना से चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने आज दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश ने बताया कि पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक फोन आया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। ये फोन वहां मौजूद एक अधिकारी के पास आया था, लेकिन विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री से बात करने से इनकार कर दिया। विनेश ने दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए इनकार कर दिया था, जिसमें पहली शर्त कुछ यूं थी कि बात करते समय मेरा कोई आदमी मेरे साथ नहीं होगा, केवल उनका एक आदमी होगा जो बात कराएगा और साथ ही एक वीडियो शूट करेगा। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट ने कहा कि मैंने यह शर्त सुनकर प्रधानमंत्री से बात करने से साफ मना कर दिया। विनेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हरियाणा की राजनीति में आया राम गया राम की कहावत बड़े अरसे से मशहूर है। ऐसी ही एक खबर अब पानीपत से सामने आ रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले ही जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पानीपत ग्रामीण से जजपा के प्रत्याशी रघुनाथ कश्यप ने आज जेजेपी को छोड़कर भाजपा का दामन एक बार फिर थाम लिया है। रघुनाथ कश्यप को सीएम नायब सैनी ने भाजपा का पटका पहनाया। जेजेपी के प्रत्याशी ने भाजपा के उम्मीदवार महिपाल ढांडा को अपना समर्थन देने का वादा भी किया। आपको बता दें कि रघुनाथ कश्यप ने टिकट न मिलने पर 10 सितंबर को भाजपा छोड़ी थी। इसके बाद वे जजपा में शामिल हो गए थे और दुष्यंत चौटाला से टिकट भी ले आए थे, लेकिन आज अचानक उनका जजपा से अचानक मोह भंग हो गया और वह दोबारा बीजेपी में लौट आए। उनके साथ तो कुछ इस तरह हुआ कि लौट के बुद्धू घर को आए। वहीं अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी है। भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए यमुनानगर पहुंचे राजनाथ सिंह ने आज अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के नाम पर जनता को बरगलाया जा रहा है, जबकि 25% जवान सेना में हैं, बाकी को नौकरी की गारंटी भी दी जा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा में भी भाजपा सरकार ने अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का काम किया है। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी जम्मू कश्मीर के चुनाव में शगुफा छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर धारा 370 को फिर से लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। और अब बुलेटिन के अंत में बात करते हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने आज जुलाना की कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के समर्थन में रोड शो किया। प्रियंका ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा की नीति हमेशा किसानों और खिलाड़ियों के खिलाफ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी बेटी विनेश जब अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तब मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे और इसे सड़क पर घसीटा, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी और वह संघर्ष करते हुए ओलंपिक तक पहुंची। रोड शो के दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को वोट देने की अपील की।